तो झारखंड में राजनीतिक गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार से संबंधित मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अर्जुन मुंडा ने सीएम के विधायक की अयोग्य होने और यूपीए के बैठकों के दौर पर अपने विचार साझा किए हैं। तो झारखंड में मचे सियासी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान भी सामने आया है और लगातार जो है बीजेपी के तमाम नेता झारखंड में जो सियासी गतिरोध जारी है उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और लगातार इधर बता दूं कि महागठबंधन की तरफ से यूपीए विधायक दलों की अहम बैठक बुलाई जा रही है और तीसरे दिन भी आज बैठक बुलाई गई है। सारी वास्तविकता आप सबके सामने है और मैं समझता हूं कि यह जो मामला है ये मामला इस समय राजनीति का नहीं है बल्कि निष्पक्षता के साथ जो आयोग काम करता है उस पर उसके फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और इस तरह के चर्चा पर मैं ना विश्वास रखता हूँ और ना ही इस तरह के चर्चा करता हूँ, ना ही इस तरह के राजनीतिक बातें करता हूँ। जिस तरह के कार्य उसने किए उसके ऊपर में लोगों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद यह मामला विचाराधीन है। अब इस मामले में यहाँ पर कुछ कहने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। आने दीजिए, फैसला आने दीजिए और फैसला